जैसे उन लोगों का आरोप है कि थाने में दो राजस्व कर्मचारियों को बंधक बनाकर रखा गया, थाने में गिरफ्तार करके रखा गया, बाद में छोड़ दिया गया। वहां की एक आरोप है, वो बोलती हैं अंजलि जी कि हमको है सो बेइज्जत किया गया, धमकी दिया गया, फंसाने की बात कही गई और सारा का सारा राजस्व पदाधिकारी फंसा कैसे देगा। ये सब बात बोलता है हमको बड़ी गुस्सा लगता है जी। ईमानदार नहीं, खाटी ईमानदार ही केवल नहीं, पुस्तकालय बनवाया नवादा जिले के अंदर में, नवादा में 100 समथिंग पुस्तकालय बनवाया जी। सीओ बीडीओ को कहते थे कि रविवार को जाके पढ़ाओ, तो यहाँ सीओ आरओ क्यों खिलाफ में चला गया तो हमको पता नहीं है। एक चीज जानना चाहेंगे कि अभी जेडीयू की सरकार है, वैशाली में मामला चल रहा है कि डीएम मीना साहब हैं, उनके खिलाफ में सारे अंचलाधिकारी और आरओ जो है राजस्व कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमारा अपमान हुआ, हम लोगों को है सो थाने में बैठा के रखा, ये सारा चीज में क्या करना। मामला क्या है मैं नहीं जानता जी, लेकिन राजस्व विभाग एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए है जी, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए जी, राजस्व विभाग के लोगों को, कि लंबे अरसे के बाद लालू जी ने बहाली नहीं किया था, रेवेन्यू ऑफिसर हमने बहाल किया जी, हमने राजस्व कर्मचारी बहाल किया, अमीन बहाल किया जी, इसी उम्मीद के साथ ना कि जनता की समस्या का निदान होगा जी। और यह भी सच है कि राज्य सरकार ने जिलाधिकारी को यह जिम्मेवारी सौंपी है कि आप निरीक्षण करिए तात्कालिक, चूंकि नवादा को हमारे डीएम रहे हैं हमारे क्षेत्र के, तो मैं उस व्यक्ति की कार्य क्षमता को जानता हूँ, वो ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार नहीं खाटी ईमानदार ही केवल नहीं, कार्य कुशलता उस आदमी का जो है, जमीनी विवाद का मैंने वो जब वो डीएम थे 89% था रेट उसका, निदान कर देते थे वो, न्याय मित्र तक को उसमें इन्वॉल्व किया उन्होंने, पुस्तकालय बनवाया नवादा जिले के अंदर में, नवादा में 100 समथिंग पुस्तकालय बनवाया जी। सीओ बीडीओ को कहते थे कि रविवार को जाके पढ़ाओ, तो यहाँ सीओ आरओ क्यों खिलाफ में चला गया तो हमको पता नहीं है। जैसे उन लोगों का आरोप है कि थाने में दो राजस्व कर्मचारियों को बंधक बनाकर रखा गया, थाने में गिरफ्तार करके रखा गया, बाद में छोड़ दिया गया। वहां की एक आरओ है, वो बोलती हैं अंजलि जी कि हमको है सो बेइज्जत किया गया, धमकी दिया गया, फंसाने की बात कही गई और सारा का सारा राजस्व पदाधिकारी फंसा कैसे देगा। ये सब बात बोलता है हमको बड़ी गुस्सा लगता है जी। अरे हम गलत करें, हम मोबाइल में हम गलत बची भी नहीं करेंगे तो फंसा दीजिएगा आप। अरे हमारे अकाउंट में पैसे में नहीं रहेगा था, फंसा कैसे दीजिए, लालू जी बोला बात। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने बचाव में गलत किए हैं उन लोगों ने, विरोध कर रहे हैं। अरे भाई जो लोग हैं सरकार तो पूरे कार्रवाई करेगी सरकार, भूमि सुधार विभाग में गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये जब गड़बड़ी हो रही है तो सिर्फ वैशाली में ही क्यों हो रही है, बिहार के अन्य जिलों में क्यों? यह कोई आवश्यक है, ये कोई जरूरी है कि हम एमए पास किए तो हमारे बेटा भी एमए पास कर जाए। देखिए अक्सर ये आरोप लगता है, जैसे विकास वैभव ने आरोप लगाया शोभा ओटकर उनके साथ बदतमीजी करती हैं, के पाठक साहब जब मीटिंग ले रहे थे तो एडीएम के साथ उन्होंने बदतमीजी की, उसका वीडियो फुटेज आया, और अभी के डेट में जो मीना साहब है वैशाली के डीएम और उनके खिलाफ में पूरा का पूरा आपका एक अमली जामा जो है सो विरोध में उतर गया है। सरकार ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं करती है, लगता है कि निचले कर्मी जो है वो काम कर रहे हैं तो ऊपर के कर्मी उनको दबाने का काम करते हैं। कोई किसी को दबा नहीं सकता, यहाँ तो डीजीपी का संपत्ति जब्त हुआ बिहार के पाठक पर, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई उन्होंने जब एडीएम साहब पर कहा। के पाठक गए कि नहीं, चले गए ना, हुए कि नहीं शिक्षा विभाग से, यानी कि गलत कर रहे हैं तो तब आपने विधायक। अरे गलत करना सही करना नहीं, सरकार का रूटीन वर्क है, सजा है उनके ऊपर है सो जो अब तो जनता की नजरों में सजा होगा ना, सरकार की नजर में सजा थोड़े होता है जी, सरकार का रूटीन वर्क है, ये कौन बड़ी बात है जी। अरे सवाल है कि राजस्व विभाग कौन चलाता है, सरकार चलाती है जी, सरकार के मुखिया का दिशा निर्देश है कि काम होना चाहिए राजस्व विभाग में जी। अब कोई गड़बड़ी ना पे पेट दर्द कर रहा है, अब माथा दर्द के दवाई खाइएगा तो निदान निकलेगा जी, तो इसमें क्या निदान हो सकता है जैसे वो लोग धरने पर बैठे। हम विधायक हैं, हम कहे कि हमको धमकी मिला है जी, तो जनता तो हर के मर जाएगी ना, डर जाएगी ना। अरे निदान है, संवाद होगा जी, जो भी संवाद करके समस्याओं का समाधान, हर चीज का निदान है, लेकिन जमीन के समस्या का निदान ईमानदारी से करना होगा, उसमें कोई समझौता नहीं, कोई पेच नहीं, सब पेच ढीला कर दिया जाएगा इस बार जी, सरकार का संकल्प है। तो जमीन के मामले में अगर कोई मामला आता है तो पेच को ढीला करने की बात जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी कर रहे थे। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे डीपी वॉइस के साथ, धन्यवाद।